अवंतिका में करोड़ों का घोटाला। विकास कार्यों के नाम पर अंसल की धोखेबाजी। पॉश कॉलोनी का सपना दिखाकर जनता के साथ ठगी। ₹216 करोड़ का हिसाब मांग रही जनता। जी हां, गाजियाबाद की पॉश कॉलोनियों में से एक अवंतिका कॉलोनी में अंसल बिल्डर की धोखेबाजी से जनता अब परेशान हो चुकी है। अवंतिका कॉलोनी के निवासियों का आरोप है कि विकास कार्यों के नाम पर अंसल बिल्डर ने 216 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया है। कॉलोनी के अंदर 216 करोड़ रुपए के काम होने थे और उन 216 करोड़ रुपए के काम ना करके अंसल भाग गई। नगर नियम को मात्र 11 लाख रुपए में हैंडओवर हो गई कॉलोनी। आप सो रहे थे, आप कहते हो मेरे को मालूम नहीं चला। अरे भाई, ऐसी कौन सी RWA है कि बिना RWA की कंसेंट के और कॉलोनी हैंडओवर हो गई, RWA को हवा ही नहीं लगी। भाई दाल तो काली है ही है, अब आप कुछ भी कहो, पूरी दाल काली है। ऐसे ही आप सत्ता से नहीं चिपके हुए हो, कुछ तो बात है जो आप सत्ता के लिए इतना छटपटा रहे हो या पूरी RWA इतना छटपटा रही है। RWA में जितने भी लोग शामिल हैं सबकी मिली भगत से सारा काम हो रहा है, सब मिले हुए हैं इसमें। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कॉलोनी में 216 करोड़ रुपए के विकास कार्य होने थे लेकिन बिल्डर ने सिर्फ 11 लाख रुपए में ही पूरी कॉलोनी नगर निगम को हैंडओवर कर दी। अब लोग इस पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, साथ ही विकास कार्यों को पूरा कराने की भी मांग कर रहे हैं। इस मामले में RWA की भूमिका भी संदिग्ध है क्योंकि उसका ये कहना कि हमें मालूम नहीं था कि लोगों को हजम नहीं हो रहा है। यहाँ पर अंसल ने कोई काम नहीं किया, आपने कहा। हम मानते हैं अंसल ने कोई काम नहीं किया। आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, आपके क्यों नहीं उससे काम करवा पाए? आप कह रहे हैं कि अंसल भाग गई, अंसल कैसे भाग गई आपके रहते हुए? जब आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप अंसल को रोक सको तो आप किस हैसियत से कुर्सी पर बैठे हो भाई? कोई मजाक बात है कि 216 करोड़ रुपए की चीज कोई आदमी 11 लाख रुपए में बेच दे किसी को? मतलब सोचने वाली बात है, कोई आदमी यकीन करेगा कि 216 करोड़ रुपए की चीज आदमी ने 11 लाख रुपए में बेच दी किसी को? लेकिन बिक गई। लोगों को डरा धमका कर कि कॉलोनी का विकास होगा, कॉलोनी में सड़कें बनेंगी, लाइटें लगेंगी, सिक्योरिटी होगी, आप सनराइज हॉस्पिटलिटी वालों को पैसा दे दो, आपको इतनी छूट मिल रही है। आपने सनराइज हॉस्पिटलिटी वालों को कॉलोनी वालों से एक एक घर से लाख लाख रुपए तक लोगों ने दिए हैं। जो नहीं दिए वो आज बहुत फायदे में है, जो दिए वो बेवकूफ थे, उसमें एक मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने भी दिए हैं 50-60 हजार रुपए। आपने सबसे पैसे दिलवाए और फिर सनराइज हॉस्पिटलिटी वाले भाग गए। अब ये भी बता दो इसमें आपका कितना शेयर था, कितना परसेंट आपको मिला इसमें? आपने क्या उनको भगाने के लिए कॉलोनी वालों को पैसे, मतलब लूटना है तो लूटो, आप ऐसे अपनी कॉलोनी वालों को ही लूटने के लिए आप बने हो? नगर निगम का टैक्स कहाँ आया? नगर निगम ने जब पहली बार टैक्स लगाया तो नगर निगम को नहीं मालूम था कि कौन आदमी कितने दिन से रह रहा, उसने तो एक लमसम टैक्स बना के भेज दिया। आपने उसमें पैसे खाए, आपने कहा, बहुत से लोगों ने यहाँ पर पैसे दिए कि आप इतने पैसे दे दो, आपका अगर 1 लाख का बिल आया है नगर निगम का, आप हमें दे दो 10 हजार रुपए, तो आपका परसेंटेज, आपने कहा 10% आप दे दो, आपका हो जाएगा काम यहाँ पर। इस तरह से आपने उसमें पैसे खाए, जबकि उसमें अगर जिस भी आदमी ने अपने रजिस्ट्री के पेपर जिस डेट से रजिस्ट्री है उस डेट से आपका टैक्स लगना था, आप बाद में आए, उसी डेट से ही वो टैक्स ले सकता है नगर निगम और उसी के तहत सबने दिए, लेकिन उन्होंने शुरू से लगा दिया था टैक्स,
क्योंकि वो लमसम भेजा था बिल, पहला बिल जो आया था। अब किसी को कानून का ज्ञान नहीं है तो आपने उसका फायदा उठाया। मैंने खुद यहाँ पर 50 लोगों के मैंने यहाँ पर बिल मैंने जमा कराए, किसी को एक पैसा नहीं देना पड़ा है। और आपने लोगों के पैसे दिलवाए नगर निगम को घूस के रूप में, मतलब मजाक बना रखा है आपने। कितना लूटोगे भाई? RWA की सुस्ती की वजह से अब हालात ये हैं कि नालों की साफ सफाई भी नहीं हो पाती और स्थानीय लोगों को खुद आगे आकर नालों की साफ सफाई करनी पड़ रही है। पिछले 15 वर्षों से आप यहाँ की सत्ता संभाले हुए हो, पिछले 15 वर्षों में आपने यहाँ पर क्या किया, क्या विकास के लिए किया, कृपया उसका विवरण दें कि कैसे यहाँ का आपने विकास करने का प्रयास किया कि यहाँ का विकास आज तक नहीं हो पाया। जो स्थिति 15 वर्ष पहले थी उससे भी बदतर स्थिति आज है। कॉलोनी में ना कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, ना कोई पानी की निकासी की व्यवस्था है, नालियां भरी रहती हैं। सुरक्षा के नाम पर महिलाएं रात में कहीं निकल नहीं सकती हैं। सड़कें इतनी बदहाल है कि जो गाड़ी आप अगर नई से नई गाड़ी खरीद कर लाएं, अगर आपकी गाड़ी 5 साल चलनी होगी तो वो 2 ही साल चलेगी। बच्चों के खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है। महिलाएं कहीं जाके पार्क में, कोई ऐसा पार्क नहीं है जहां पर कि महिलाएं शाम के समय जाकर के बैठ सकें, या कॉलोनी के जो बुजुर्ग लोग हैं वो वहां पर जाकर के बैठ सकें। हमें समझ में नहीं आता है कि आपने किया क्या है। आप हमें सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि कॉलोनी के अंदर आपने क्या किया है। पिछले 15 वर्षों से आप यहाँ शासन कर रहे हो। लोगों को यहाँ पर प्लम्बर, बाई, गार्ड तक नहीं मिल पा रहे हैं और मिलते हैं तो रेट हाई फाई होते हैं। इसके अलावा लोग इन सभी काम वालों का RWO की तरफ से वेरिफिकेशन भी चाहते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन ना होने की वजह से लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब आप किसी भी कॉलोनी में रहते हैं तो आपकी अपेक्षाएं होती हैं कि वो एक ऐसी कॉलोनी हो जहां पर कि आपको सभी मूलभूत सुविधाएं आपको मिले, लेकिन क्या आपको अवंतिका में ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं? तो सभी का जवाब नहीं होगा। जैसे सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पर बिल्कुल जीरो कोई व्यवस्था है। आपका जो मेन गेट है वहाँ से कोई भी बिना रोक टोक के, गेट नंबर 1 हो, गेट नंबर 2 हो या गेट नंबर 3 भी हो, बेधड़क अंदर आ सकता है, कभी भी जा सकता है। सिक्योरिटी के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा कॉलोनी में कबाड़ी, फल वाले, सब्जी वाले या तमाम तरह की काम वाली बाइयाँ हैं घरों में, कायदे से इनको सबको हमें पास इशू करना चाहिए, जो कि एक स्टैंडर्ड, एक RWA होती है जो कि करती है, सभी को पास इशू होते हैं और जिसको पास होता है वही, उसी को परमिशन होती है यहाँ पर आने की। लेकिन किसी के पास कोई पास नहीं है, जो जब चाह रहा है आ रहा है, जब चाह रहा है जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर कोई रोकता है भी है तो उससे ये लोग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग कॉलोनी में आते हैं, हमारे घरों की रेखी होती है, इसके बाद फिर लूटपाट, राजनी, इस तरह की वारदातें। इसी तरह आपका CCTV की व्यवस्था होनी चाहिए, तो जब इतनी ये व्यवस्था नहीं है तो CCTV का तो दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है, जबकि एक अच्छी कॉलोनी में CCTV की व्यवस्था होती है जिसमें बराबर निगरानी होती है कि कौन कॉलोनी में जा रहा है, कौन कॉलोनी से बाहर जा रहा है। गाड़ियों को स्टिकर दिए जाते हैं, जो कॉलोनी के निवासी हैं उनकी सभी गाड़ियों को स्टिकर मिलने चाहिए, लेकिन कोई स्टिकर की व्यवस्था नहीं है। कोई भी गाड़ी
आएगी, कहीं पर भी आपको कोई गाड़ी खड़ी मिल जाएगी, बाहरी गाड़ियां अक्सर, और उसमें अश्लील हरकतें करते हुए लोग मिल जाएंगे, या कहीं कोने में आपको शराब पीते हुए लोग आपको दिख जाएंगे, कोने में अंधेरे में गाड़ी खड़ी होंगी। इस तरह की हरकतों के लिए अवंतिका बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए मुफीद स्थल बन गया है, बिल्कुल एकदम फिट बैठ रहा है उनके लिए। क्या हमारी RWA का ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज़ को देखे या इस चीज़ को करे, सिक्योरिटी की व्यवस्था करे? पिछले 15 सालों में क्या आपको कोई सिक्योरिटी के नाम पर व्यवस्था मिली है? नहीं। हम बात करते हैं कि कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। हर एक पास कॉलोनी में एक कम्युनिटी सेंटर होता है, जिसमें कि लोग अपने फैमिली के कोई फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह के इंतज़ाम होते हैं, शादी ब्याह हुआ या कोई भी फैमिली गेट टुगेदर, तो वो उसमें होता है। लेकिन कम्युनिटी सेंटर के नाम पर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना आज तक कोई स्टेप इस दिशा में लिया गया। सड़कों की हालत, स्ट्रीट लाइट, ये आपसे छुपी नहीं है, जो कि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। नालों में पानी हमेशा भरा रहता है, पानी भरने से लार्वा उसमें पनपते हैं और डेंगू और तमाम बीमारियां फैलती हैं, इस बात को सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस दिशा में भी कोई प्रयास नहीं किया जाता है। मच्छरों के लिए फॉगिंग की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। कभी अगर 2-3 महीने में एक बार फॉगिंग हो गई तो हो गई, बाकी कभी कोई फॉगिंग की व्यवस्था कोई नहीं है। एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी भी नहीं है। डिस्पेंसरी होनी चाहिए, डिस्पेंसरी भी नहीं है। अगर आप जो कि एक ये मैं पॉश कॉलोनी के एक मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, जो कि सुविधाएं होनी चाहिए और RWA को प्रोवाइड करनी चाहिए। आप कहीं पर कोई कंप्लेंट करना चाहें, या कभी कोई आपको प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी व्यवस्थाएँ RWA करके रखती है, अपने पैनल पर रखती है, प्लम्बर को अपने पैनल पर रखती है, इलेक्ट्रीशियन को, कि वही लोग कॉलोनी के अंदर आएंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा और वही उन्हीं लोगों के माध्यम से आप प्लम्बिंग का या इलेक्ट्रीशियन का काम कराएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई व्यवस्था है नहीं, तो लोग किसी को भी बुलाते हैं, कोई भी आता है और अनाप शनाप चार्ज लोगों से लिया जाता है, जिसकी जो मर्जी है कॉलोनी को लूट रहा है, कोई उसकी देखने वाला नहीं है। कूड़े के ढेरों का अंबार लगा हुआ है, जितने खाली प्लॉट हैं झाड़ियाँ वहाँ पर उगी हुई हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो आखिर RWA कर क्या रही है? पिछले 15 सालों में 20 लाख रुपए आपने इकट्ठे किए, 19.5 लाख। अब उसके अलावा तमाम पैसे आपने दाएं बाएं से इकट्ठे किए, तो ये लाखों रुपए आपने किए क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है। लोग कॉलोनी में CCTV लगवाने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ की सड़कें इतनी खराब हो चुकी हैं कि अब लोगों को पैदल चलने में भी दिक्कत होने लगी है। लेकिन RWA तो कोई काम कर ही नहीं रहा और प्रशासन भी सोया हुआ है, इसलिए लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। उत्थान समिति की तरफ से अवंतिका कॉलोनी में समस्याओं को लेकर एक सर्वे भी कराया गया है और लोगों से उनकी राय भी पूछी गई है, जिसमें लोगों ने जमकर भड़ास निकाली। कुल मिलाकर अवंतिका के निवासी RWA का जमकर विरोध कर रहे हैं। जब RWA का चुनाव होता है, किसी को कोई सूचना आप लोग नहीं देते हो, किसी को कोई जानकारी नहीं होती है, और मुट्ठी भर लोग बैठ के खुद ही RWA का चुनाव कर लेते हैं, खुद ही निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हो और
खुद ही कार्यकारिणी गठित करके 15 साल से इस कॉलोनी पर आप लोग राज कर रहे हो। चुनाव की कोई पारदर्शी जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है, वो कोई प्रक्रिया आप लोग नहीं अपनाते हो। और अगर कोई आप लोगों के खिलाफ आवाज उठाता है तो आप लोगों का पिछला रिकॉर्ड है, जिसने भी आपके खिलाफ आवाज उठाई आपने उसको झूठे मुकदमे में फंसा दिया, उसके खिलाफ झूठे केस करवा दिए, उसका उत्पीड़न किया प्रशासन के साथ मिलकर। तो ये सारे हथकंडे अपनाकर आप लोग कब तक शासन करोगे? अब बहुत हो गया। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर अपना मकान बनाता है, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए कि हाँ ठीक है, यहाँ पर आप आइए, हम आपकी जो उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर कोई कॉलोनी में अपना मकान बनाता है तो आप उसके शोषण में कोई कमी नहीं छोड़ते हो। कैसे उसको फंसा के, कैसे उसको दबा के उससे पैसा वसूला जाए, आपका केवल एक ध्येय रहता है, पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। कभी कार्यकारिणी की कोई मीटिंग नहीं बुलाते हो आप लोग, कभी आपने आज तक नहीं कॉलोनी वालों से पूछा कि आपकी क्या समस्या है, क्या कोई आप अपना फीडबैक दो ताकि आपकी समस्याएं आए तो हम उनका समाधान करें। कोई उसका प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है जहां पर कि आप जाकर के कंप्लेंट कर सको कि हमें ये समस्या है, इस समस्या के लिए आप हमें समाधान करिए, या आपका कोई एक डेडिकेटेड पर्सन हो जो कि इस समस्या का हर समस्या के समाधान के लिए अवेलेबल हो। अरे भाई, RWA कर क्या रही है? सरप्राइज, अभी हमने सर्वे करवाया तो सर्वे में जो यहाँ के लोगों का रिस्पांस आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वे के जो कुछ मुख्य पॉइंट हैं उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या रिस्पांस आया। मैंने पूछा यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने तीन ऑप्शन दिए थे, RWA, अंसल और नगर निगम या GDA। तो 81.8% कह रहे हैं कि RWA इसके लिए जिम्मेदार है, 1% ने अंसल को और 17.2% ने GDA या नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया। अब क्या जनता बेवकूफ है? क्योंकि जनता को मालूम है कि अगर आपको किसी से भी काम कराना है, चाहे नगर निगम से या GDA से या कहीं से भी, तो उसके लिए जनता खुद नहीं जाएगी नगर निगम में, आपको उसके लिए पल्सू करना पड़ेगा, आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। तो मेन जिम्मेदार, मेन रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? RWA। मगर आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, मगर जनता सब समझ रही है। सीवर लाइन की समस्या, 81% लोगों ने कहा कि यहाँ पर सीवर लाइन की समस्या है। फिर एक क्वेश्चन था, क्या आपके घर के बाहर की नाली में पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था है? तो उसमें भी 72.7% लोग कह रहे हैं कि हमारे घर के आगे पानी की नाली में निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोग असंतुष्ट हैं। सनराइज हॉस्पिटैलिटी में जो लोगों का पैसा जमा था, जिसको कि आपने भगा दिया, उसको और पैसे देकर क्या, कॉलोनी वालों से दिलवाकर, यहाँ के निवासियों को बेवकूफ बनाकर उनको जो आपने दिलवाया, 5,000-5,000 रुपए जमा थे, वो पैसे किसी भी कॉलोनी वाले को वापस नहीं मिले हैं। सौंदर्यीकरण पार्कों का पूछा गया, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? 95.5% लोग कह रहे हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ के लोगों की नाराजगी कहाँ तक है। सड़कों की हालत से आप संतुष्ट हैं? 100% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं हैं, 100%। सुरक्षा के लिए पूछा गया, क्या आप यहाँ पर सुरक्षित हैं? 100% लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं महसूस करते। अब आप बताइए, एक आदमी हो, दो आदमी हो, अरे 250 से ज़्यादा लोगों ने इसमें सर्वे में अपना पार्टिसिपेशन किया है, और क्या सब झूठ बोल रहे हैं? ना यहाँ पे कोई वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है, ना आग लग जाए अगर उसके लिए जो फायर का सिस्टम होता है
वो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं, सुविधा के नाम पर बिल्कुल जीरो, और आप RWA की कुर्सी पर जमे हुए हैं। कॉलोनी के अंदर कोई पार्क ऐसा नहीं है जहां पर कि बच्चे खेल सकें या महिलाएं वहां पर, बुजुर्ग लोग कॉलोनी के वहां पर बैठ सकें या टहल सकें। एक पार्क AD ब्लॉक में था, तो वहां पर आपने खेलने के लिए था, बैडमिंटन कोर्ट भी था वहां पर, टेनिस कोर्ट, आपने उसको वहां पर आड़ी तिरछी बेंचे लगाकर उसको इस लायक कर दिया कि कोई वहां पर खेल नहीं सकता है। क्या बहाना था आपके पास कि वहां पर बाहर के लोग आते हैं खेलने के लिए? अरे भाई, बाहर के लोग आते हैं तो उनको आप रोकिए कि वो कॉलोनी में ना आए। क्यों आते हैं? इसका मतलब आपके पास कोई पावर नहीं है, ना आपके पास कुछ है, तो आप बैठे क्यों हैं इस कुर्सी पर? जब आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपके पास सीधा सा ये बहाना है हम कुछ नहीं है आपके पास में, तो आपको क्या फ़ायदा है ऐसी कुर्सी में, क्या फ़ायदा है ऐसी RWA का? पैसे वसूलने के लिए तो आपके पास सारे हथकंडे हैं। कॉलोनी में पिछले 15 वर्षों से, जब से आप हो, ब्रॉडबैंड की व्यवस्था बिल्कुल जीरो, जबकि हमारे पड़ोस में चिरंजीव यार है, वहाँ पर एयरटेल का ब्रॉडबैंड पिछले 12-13 वर्षों से काम कर रहा है। चिरंजीव यार छोड़ दीजिए, जहाँ से हमारी एंट्री होती है, गेट के बाहर अंसल होम तक एयरटेल का ब्रॉडबैंड आया हुआ है, लेकिन आपने एयरटेल वालों को यहाँ पर एंट्री नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि आपको उनसे पैसा चाहिए था। ये बात मैंने एयरटेल के अधिकारियों से बात करी गुड़गांव में हेड ऑफिस में, वहाँ से मेरे को मालूम चला कि RWA आपकी पैसा मांगती है, इसलिए हम वहाँ पर आपका काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पैसा वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो किसी से। कहाँ मौका मिले, किस तरह से मिले, आप पैसा वसूलने में पूरी ताकत लगा रहे हो, लेकिन काम भी तो दिखाओ भाई। अब वो पैसा केवल अपनी जेब भरने के लिए आप ले रहे हो, तो ये तो सरासर धोखा है कॉलोनी वासियों के साथ में। कॉलोनी वालों के साथ आप अन्याय कर रहे हो। हमारी कॉलोनी वाले में कोई भी ऐसा नहीं है कॉलोनी में जो कि समझदार ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, एक सभ्य ना हो, लेकिन आप लोगों ने उनकी इसी सीधाई का फायदा उठाते हुए कॉलोनी को लूटने का एक अड्डा बना दिया है। आप लोगों का जो ये गिरोह है RWA के नाम पर, जो लूट रहा है कॉलोनी वालों को, जल्दी ही जाना होगा। अभी आपने मंदिर के बगल में एक फ्लैट बन रहा है, आपने उसकी कंप्लेंट करी, कंप्लेंट करके आपने कहा कि छज्जा इसका निकला हुआ है तो इसको रुकवाया जाए, लेकिन सबने देखा, कुछ समय के लिए उसमें सील भी लगी और फिर भी अंदर काम होता रहा। आपकी कंप्लेंट थी और आपकी क्या निगरानी थी वहाँ पर कि काम हो रहा था? इसके बाद सील भी हट गई और काम फिर से चालू हो गया। आप ये कैसे निगरानी कर रहे हो कि सील भी हट जा रही है, काम भी चालू हो जा रहा है फिर से? ये कैसा, आप शिकायत क्यों करते हो? इस शिकायत के पीछे क्या छुपा हुआ है? आप कृपया ये बताएं कि आपने ये शिकायत करी तो इससे आपको क्या हासिल हुआ? कुछ तो हासिल हुआ। क्यों काम रुका हुआ, काम क्यों चालू हो गया, जबकि उसका छज्जा भी नहीं गिरा, ना कहीं कोई नुकसान उसका हुआ? हम किसी का नुकसान कराने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने, वो गलत था और उसने, आपने सील लगवाई उसमें आपने, तो फिर वो काम चालू क्यों हो गया दोबारा? आप केवल इस बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी लंबी डीलिंग हुई है। अब क्या डीलिंग हुई है मेरे को नहीं मालूम, वो आप अच्छे से बता सकते हैं। इसी तरह हमारे पास पत्र है इस चीज़ का जो आपने कंप्लेंट करी है। आप 15 वर्षों से काम कर रहे हैं यहाँ पर, आपने 15 वर्षों में हम लोगों का कितना पैसा लिया आपको मालूम है? मैं बताता हूँ आपने कितना पैसा लिया। यहाँ पर लगभग 600 आदमी हैं
600 निवासी है, 600 घर है। अब 600 परिवारों में से मैं कहता हूँ कि 200 परिवार आपको मेंबरशिप फीस, एनुअल फीस नहीं देते, बचे 400 लोगों ने अगर आपको मेंबरशिप फीस के 1100 रुपए दिए तो आपके पास आते हैं 440,000 रुपए। इसके बाद वही 400 आदमी आपको एनुअल फीस देते हैं 250 रुपए के हिसाब से, तो आपके पास आते हैं 1,00,000 रुपए। तो 440,000 तो मेंबरशिप फीस के हो गए आपके, और 1,00,000 रुपए सालाना आप इकट्ठा कर रहे हो एनुअल फीस के रूप में। आज तक आपने 15,00,000 रुपए तो एनुअल फीस के ले लिए और 440,000 रुपए आपके मेंबरशिप फीस के हो गए, टोटल आपके पास आ गए 19,40,000 रुपए। आप हमें इसका हिसाब दे दीजिए कि आपने इसमें क्या किया। इस खर्चे का हिसाब आप पूरी कॉलोनी मांग रही है, पूरे यहाँ के निवासी मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ के निवासियों की मेहनत का पैसा है जो कि आपने लिया है, और उसका किस तरह मिसयूज़ किया है कृपया वो बता दीजिए। क्योंकि अगर आपने यूज़ किया है तो कहीं ना कहीं दिखाई देना चाहिए, अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपको इसका जवाब यहाँ के लोगों को देना पड़ेगा। आपने सोविनियर छपवाई थी, सोविनियर में आपने 7,00,000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट लिया, 7 से ज़्यादा का लिया था मालूम चला मेरे को, 10 के आसपास लिया था, लेकिन मैं 7 मान के चल रहा हूँ। आपने सोविनियर सबको बेची यहाँ पे कॉलोनी में 90 रुपए के हिसाब से, उसके आपको 36,000 रुपए मिले। मैं 400 आदमियों को मान रहा हूँ कि 400 आदमियों ने आपकी सोविनियर ली, तो 7,36,000 ये आया आपके पास में, इसका हिसाब दीजिए आप। ये पैसा आपने कहाँ खर्च किया, हमें मालूम है आप पैसा कहाँ खर्च करते हो। पैसा आप खर्च करते हो फर्जी मीटिंग में, फर्जी मीटिंग में खाने पीने में खर्चा दिखाते हो आप, या आप दुनिया भर के, जैसे ये केस अभी मैंने आपको दिखाया कि आपने केस किया, इसके लिए आप जा रहे हो तो आपने टैक्सी में खर्चा दिखाया, इस तरह के खर्चे आप करते हो, क्योंकि उसी से आप और अपनी इनकम बढ़ा रहे हो। होली दिवाली की आप बात करोगे कि होली दिवाली में खर्चा हुआ, होली दिवाली के पैसे आप अलग से लेते हो, पूरी कॉलोनी जानती है, पूरी कॉलोनी देती है पैसे, उसके खर्चे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि उसमें कितना आया कितना गया, उसको आप किनारे कर दीजिए। इसके अलावा आपने क्या किया, केवल इस बात का आप जवाब दे दीजिए कि आपने आज तक पिछले 15 सालों में कॉलोनी को क्या दिया। सिक्योरिटी के नाम पे 0, न यहाँ से कोई आने जाने का साधन है। अगर हमें किसी बुजुर्ग को यहाँ से रात में जाना हो तो कोई साधन नहीं है कि कम से कम कोई साधन हो जो कि यहाँ से उसको गेट तक छोड़ सके। किसी बुजुर्ग महिला को या हमारे किसी भी बुजुर्ग भाई को अगर उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो वो अकेला नहीं जा सकता है। सड़कों की हालत सारी कॉलोनी देख रही है, रात में स्ट्रीट लाइट की हालत पूरी कॉलोनी देख रही है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप एक तरफा भोपू आपने बना दिया, उसमें कोई आदमी अपनी बात रख ही नहीं सकता है। और उसमें क्या चलता है, सिर्फ कंसल जी आज यहाँ गए, इससे मिले, इस नेता से मिले, तो इस नेता के यहाँ खाना खाया, तो इस नेता के यहाँ ये किया, या आजकल आपने उसमें एडवर्टाइजमेंट चलाने चालू कर दिए हैं। इससे हमारी कॉलोनी का क्या भला होगा, यहाँ के निवासियों का क्या भला होगा, आप हमें समझाइए। जब हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं, जब हम अपनी समस्या आपके सामने नहीं रख सकते हैं, तो हमारा क्या भला होगा इस चीज़ से। हमें अगर आपको अपनी समस्या कहने का कोई हक नहीं है, तो आपको भी अपनी कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है।